हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह आपका यूपीपीएससी एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज़ में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हम लोग यहाँ लेटेस्ट एमसीक्यू एग्ज़ाम से रिलेटेड एक सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितने भी हमारे क्राइटेरिया हैं यूपीपीएससी और एमपीपीएससी जो प्री एग्ज़ाम में आते हैं, उसके सारे पॉइंट्स यहाँ हम एमसीक्यूज के टाइप में कवर करेंगे। तो आप डेली जो अपना एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो करते रहिए, प्लस ये एमसीक्यू सॉल्व करके अपनी जितनी भी तैयारी है उसको शार्पनेस दीजिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं मेंस के लिए आंसर राइटिंग ज़रूरी है, वैसे ही प्री एग्ज़ाम के लिए आपको एमसीक्यूज क्विज़ की जो तैयारी है उसको करना बहुत ज़रूरी होता है। पार्ट वन मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, पार्ट टू लेकर आई हूँ आज। इसके साथ साथ मेंस की जो तैयारी हो रही है वो भी मैं साथ के साथ आपको करवा रही हूँ, जो कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके जीएस पेपर वन, जीएस पेपर फोर तो आप देख ही सकते हैं। इसके अलावा टू और थ्री मैं जल्द ही लेकर आने वाली हूँ, प्लस आंसर राइटिंग सीरीज़ भी मैं जल्दी ही लेकर आने वाली हूँ। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू सीरीज़। तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए, जिसका भी आंसर आपको आ रहा है उसको नंबर नोट कीजिए, और अपना जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से आप मुझे मार्क्स, जितने भी आप लोगों के मार्क्स आए हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था। इनमें से निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने भारत को यूरोप से अवगत कराया था। तो हम लोग यहाँ पहले पेन में सेलेक्ट कर लेती हूँ कोई, ताकि आपको आंसर बता सकूँ। तो ए है सिकंदर, बी है अरब, सी है ग्रीक, और चौथा है डी ईरानी। तो किसने कराया था यूरोप को भारत के बारे में बताया था सबसे पहले। तो इसका करेक्ट आंसर है, आप लोग लिख चुके होंगे, मैं इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है सिकंदर। सिकंदर के द्वारा सबसे पहले यूरोप को और भारत को जो इंटरलिंकेज है वो सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर भी कहते थे, उसके द्वारा बताया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विक्रम संवत की शुरुआत कब से हुई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पूछा जा चुका है लास्ट एग्जाम में, एमपीपीएससी में तो ये कई बार पूछा गया है। तो ऑप्शन है 47 ईसा पूर्व, जिसे बीसी भी कहते हैं, 50 बीसी, 55 बीसी, या 57 बीसी, या फिर ईसा पूर्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 57 ईसा पूर्व, या फिर 57 बीसी बिफोर क्राइस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश की स्थापना की थी। 1555 ईस्वी में, 2378 ईस्वी में, 1489 ईस्वी में, या 1206 ईस्वी में। किसमें की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1206 ईस्वी में। तो अपने आंसर ज़रूर करेक्ट करते जाइएगा, लगाते जाइएगा, प्लस इसे लर्न भी करते जाइएगा अगर आपका कोई एग्जाम इसमें से क्वेश्चन गलत हो रहा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था। तो ऑप्शन है हमारे पास हैदराबाद, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। तो जो सुनहरा फरमान अंग्रेजों को मुफ्त व्यापार के लिए जारी किया था वो किया था गोलकुंडा राज्य ने, इनमें से, इन चारों में से गोलकुंडा ने किया था। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषा वर्णित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितनी राजभाषा भारतीय संविधान में वर्णित है, 24, 22, 14 या 25। तो अपना करेक्ट आंसर लगाइए और मैं इसका करेक्ट आंसर बताती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वहाँ 22 भाषाएँ वर्णित हैं। इनमें जो मूल रूप से जब संविधान बनाया गया था तब वहाँ 14 भाषाएँ थीं। 2003 में मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इसके अलावा भी और भाषाएं जोड़ी गई हैं, और टोटल मिला के हमारे पास इस समय जो लेटेस्ट है वो 22 भाषाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजकीय भाषाओं के संदर्भ में सही नहीं है, ये हमें बताना है। मतलब कि इसमें से तीन कथन सही हैं, एक सही नहीं है, तो जो सही नहीं है उसके बारे में हमें बताना है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है, ये सही है या गलत है। जब तक राष्ट्रपति कोई अन्यथा व्यवस्था ना दे उच्चतम न्यायालय के कार्य अंग्रेजी में होंगे। राजभाषा अधिनियम को 1963 में पास किया गया था।
देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघी भाषा है। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर क्या नहीं है इनमें ये बताना है, नहीं को बिल्कुल मत भूलना, यही एग्जाम में छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। तो इसका आंसर है कि जब तक संसद कोई व्यवस्था ना दे, यहाँ राष्ट्रपति की जगह संसद आएगा। राष्ट्रपति यहाँ पर कोई कार्य नहीं करता है, उच्चतम न्यायालय के कार्य किस भाषा में होंगे इसके संपादन के लिए, तो ये काम होता है संसद के द्वारा। तो ये आप समझ चुके हैं कि इसका आंसर करेक्ट है बी। बाकी ये तीन जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये हमारे सही हैं, तो ये आप लर्न कर सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से इसमें से बताना है आप लोगों को कि कौन सा सुमेलित है, कौन सा सही है, मतलब कि राज्य बताया है और राजभाषा बताई है। तो आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु, केरल की तमिल, गोवा की अंग्रेजी और जम्मू कश्मीर की कश्मीरी। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी इसमें से सही है, बाकी तीन इसमें गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की तेलुगु है, बाकी इन तीनों की ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं कि साइंस का एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफीन के बारे में सही नहीं है। तो ये कार्बन के एलोट्रॉप होते हैं, ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर के होते हैं, परमाणु जाली के रूप में पाए जाते हैं और हनीकॉम स्ट्रक्चर होता है इसका। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट अगर यूपीपीएससी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ग्राफेन के बारे में जो सही नहीं है वो है कि इसका जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं होता है, बाकी तीन इसके आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केशिकत्व कार्रवाई का एक प्रयोग नहीं है, वाटरप्रूफिंग, कपड़े से दाग को हटाना और पत्तियों के जड़ों के आपूर्ति पानी के लिए लुब्रिकेशन। तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें से कि कपड़े से दाग को हटाना, पत्तियों के जड़ों पानी की आपूर्ति के लिए और लुब्रिकेशन, इनमें से कौन सा केशिकत्व कार्रवाई का एक प्रयोग नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर वाटरप्रूफिंग। वाटरप्रूफिंग के द्वारा केशिकत्व की जो प्रणाली है वो नहीं मापी जा सकती। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक समृद्ध है, इन चारों में आपको बताना है, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, लद्दाख का पठार या छोटा नागपुर का पठार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, खनिज पदार्थ की दृष्टि से सबसे समृद्ध जो क्षेत्र है भारत का वो है छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिन क्या होता है, रेजिन क्या होता है, ये साइंस का क्वेश्चन है। तो एक बहुलक है, ये एक वायरस है, ये एक मेलवेयर है या फिर एक सर्च इंजन है, रेजिन इनमें से क्या होता है। तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है रेजिन एक मालवेयर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी दवाओं के पिता के रूप में कौन जाना जाता है, तो हिसोइड जाना जाता है, हिप्पोक्रेटस जाना जाता है, इन दोनों को पश्चिम दवाओं के पश्चिम माने एलोपैथी जो होती है, जो हम गोलियां खाते हैं उसे कहते हैं पश्चिमी दवाएं, और दोनों होते हैं ए और बी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को पश्चिमी दवाओं के पिता के रूप में जाना जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना स्कोर गेन किया है, और भी कोई वीडियो की जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।